गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? हेलो गाइस, आज गार्डन घूमने जा रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो के द्वारा घर बैठे बैठे लोग गार्डन घूम सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं रांची के इस सुंदर रॉक गार्डन की ओर। और ये देख सकते हैं यहाँ का दृश्य कितना ही सुंदर लग रहा है। और हम लोग एक ग्रुप में जा रहे हैं ताकि आप लोगों को रॉक गार्डन के बारे में कुछ बता सकें और दिखा सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं रॉक गार्डन। और हम देख सकते हैं लोग खुशी पूर्वक रॉक गार्डन से लौट रहे हैं। तो गाइस, ये है टिकट घर और हम लोग टिकट ले चुके हैं। इससे हम रॉक गार्डन के अंदर जा सकते हैं। हेलो गाइस, हम लोग रॉक गार्डन घुस चुके हैं। और ये देख सकते हैं रॉक गार्डन का सुंदर दृश्य। ये लोग मेरा कंपेनियंस हैं और हम लोग साथ में घूम रहे हैं। तो चलिए गाइस, मैं आप लोगों को उस दृश्य की ओर ले चलता हूँ जो इससे भी बेहतर देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं उस बेहतर दृश्य की ओर। और ये देख सकते हैं गार्डन का सुंदर दृश्य जो चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। देख सकते हैं काके डैम का सुंदर दृश्य जो रॉक गार्डन के जस्ट नीचे पर उपस्थित है। यहाँ पर भी लोग आकर एंजॉय करते हैं। उधर देख सकते हैं लोग बर्थडे पार्टी मना रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये लोग मेरा कंपेनियंस हैं जो मस्ती करने में व्यस्त हैं। Thank you.
बैठने का स्थान यह बहुत ही साफ सुथरा है और आप लोग भी यहाँ आकर बैठकर अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं। यहाँ मेरे फ्रेंड्स और गाइस ये लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं और आगे हम देख सकते हैं बहुत से लोग इस गार्डन पर घूमने के लिए आए हैं और देख सकते हैं सुंदर दृश्य जो सबके दिलों को मोह लेता है। और गैस हम लोग देख सकते हैं यह गार्डन चट्टानों से भरा हुआ है इसलिए इसको रॉक गार्डन कहते हैं। ये लोग इस गार्डन में काम करने वाले हैं जो इस गार्डन को और ही सुंदर बनाने में जुटे हुए हैं। हम देख सकते हैं इधर काम हो ही रहा है। यहाँ पर भी आप लोग आकर मस्ती उठा सकते हैं और फिर चलते हैं लोग आगे चलते हैं और ही सुंदर दृश्य की ओर। बाई और पिरामिड भी है तो गैस आप लोग जरूर आइए और इस स्थान से विजिट करके जाइए। सो गैस हम लोग अंतिम दृश्य की ओर पहुंच चुके हैं। गैस आप लोग को अच्छा ये लगा तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप सब उनको बहुत बहुत धन्यवाद।